और हालत खराब हो गई थी, मैंने सोचा ये आ गया है लखनऊ एक्सप्रेसवे और अब इसकी करेंगे टॉप स्पीड चेक के। गुड मॉर्निंग घुमकड़ो, एक और दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ और टाइम हो गया है 5:40 और सुबह सुबह हम रेडी कहाँ के लिए होते हैं, या तो जिम के लिए या संडे राइड के लिए या किसी लॉन्ग राइड के लिए। तो आज मैं जा रहा हूँ लॉन्ग राइड पर, वो भी अपनी व्हाइट टाइगर पर। जहाँ कह रहा हूँ वो पूरी वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, लेकिन फिलहाल आपके लिए सरप्राइज रखते हैं। काफ़ी टाइम बाद मैंने अपनी व्हाइट टाइगर पर एक लंबी ट्रिप का प्लान किया है, तो वीडियो देखना आपको पता चल जाएगा। लेकिन स्वागत आपका यहीं कर लेते हैं और फिर चलते हैं व्हाइट टाइगर पर। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब मेरी तरह बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और यार खुश ही रहना चाहिए क्योंकि खुश रहने से हेल्थ ठीक रहती है। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक ही फैसला लकी फैसला पर। टाइम हो गया है 5:40 और अभी भी हल्का हल्का अंधेरा है, तो हम राइड पर निकलते हैं और रास्ते में चालू करेंगे मोटो व्लॉगिंग जब अच्छे से रोशनी हो जाए। तो हेलो कुमकड़ो, कैसे हो आप सब? आई होप के सब मेरी तरह बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और यार खुश ही रहना चाहिए क्योंकि खुश रहने से हेल्थ ठीक रहती है। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक ही फैसला लकी फैसला पर। अराउंड अराउंड मुझे घर से निकले हुए ना 20 मिनट हो गए और मुझे तो गंदे वाली ठंडी लग रही है। मैंने सोचा नहीं था सुबह सुबह इतना ठंडी लगेगी, ऊपर से मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने हैं और जो बाइक है ना अपनी हायबूसा, इसमें हीटेड ग्रिप नहीं है। मतलब जो अपनी BMW 1250 है GS से, उसमें हीटेड ग्रिप। और नेपाल ट्रिप पर तो मैंने उसको इतना यूज किया मजा ही आ गया। पहले मैं सोचता था हीटेड ग्रिप से यार होगा क्या, खाली हाथ पे हीट मिल जाएगी लेकिन बॉडी में कैसे। लेकिन यार उसको यूज करके पता चला जो हाथों से पूरी बॉडी पर हीट जाती है ना, मजा ही आ जाता है। लेकिन यार सोलो ट्रिप करने का ना एक अलग ही फील है, अलग ही मजा है। और दीजिए यहाँ भी हमें मिल गया सिग्नल, तो जल्दी जल्दी रुककर ग्लव्स पहन लेते हैं क्योंकि ठंडी लग रही है यार, ठंडी। और ये देखो ऑटो वाले भैया को हाय कर रहे हैं, लगता है अपनी व्हाइट टाइगर इनको पसंद आ गई है। वैसे व्हाइट टाइगर है ही ऐसी कि सबको पसंद आ जाती है, लेकिन मुझे तो यार अब BMW 1250 GS से पसंद आ गई। इतना कम्फर्ट और इतने फीचर है ना, मतलब हायबूसा चलाने का मन ही नहीं करता है। तो लीजिए नोएडा में आपका स्वागत है और यहाँ से अंदाजा तो लगा ही सकते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, और कुछ नहीं तो दिल्ली वाले तो अंदाजा लगा ही सकते हैं ये रोड कहाँ जाते हैं। ये आ गए यमुना एक्सप्रेसवे पे, तो यमुना एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है और यहाँ से तो यार अंदाजा लगा ही लो कहाँ जा रहे होंगे। बाकी अपनी जो BMW 1250 GS की ना टॉप स्पीड मैंने यहीं पर चेक करी थी, तो क्या बोलती है पब्लिक, भूसा की भी स्पीड चेक कर ली जाए। और ये आ गया है हमारा टोल, यहाँ पर पे करते हैं और उसके बाद करते हैं पेट पूजा, फिर करेंगे अपनी भूसा की स्पीड चेक। तो चलिए यहाँ रुक जाते हैं पेट पूजा के लिए। और जो बाइक है ना अपनी, वो मैंने 200 प्लस चला चुका हूँ और फर्स्ट ब्रेक हम 200 प्लस चलाने के बाद ले रहे हैं। और फर्स्ट ब्रेक लिया है और फर्स्ट ब्रेक ना मैंने 149 किलोमीटर चलाने के बाद लिया है, और अभी भी रुकने का मन नहीं था, कोई थकावट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा पेट में चूहे कूद रहे थे क्योंकि घर से निकला था, सब सो रहे थे, तो मैंने उठाने की कोशिश नहीं की। और यहाँ ना शोर बहुत ज़्यादा है, तो मैंने डोसा ऑर्डर किया है और चाय अभी आ रही है और इसको खाकर निकलता हूँ। चलो ठीक है, तो चलिए निकलते हैं इधर से, कुछ अपने सब्सक्राइबर भाई मिल गए थे। हाँ जी, ये YouTube चैनल है, ये क्या? YouTube के लिए। अच्छा, क्या नाम है? ये 19 लाख की। 19? हाँ जी। लकी फैसला लकी है ऑस्ट्रेलिया अगर ऐसे भाई वीडियो में ओरिजिनल लगाए हुए हैं ना, ट्रिप पे चेंज कर लेता हूँ। और भीड़ देखो यार कितनी ज़्यादा लग गई थी, कुछ सब्सक्राइबर मिल गए थे कुछ बाइक को देखकर, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी और इस वजह से थोड़ा सा टाइम भी लग गया, थोड़ा खाना लेट आया, डोसा खाया, फिर मैंने मैगी भी खाई। और अब इसकी करेंगे टॉप स्पीड चेक के मैं कितनी चला सकता हूँ। वैसे ये ना ये 299-300 तक चली जाती है, लेकिन मैं देखता हूँ मैं कितनी चला सकता हूँ।
मेरा ध्यान भी नहीं था क्योंकि यार जो स्पीड थी ना वो इतनी ज़्यादा थी, तो आगे रोड पे फोकस रखना ज़रूरी था। 240-250 तक मेरी लास्ट गई है, वैसे 290 तक जा सकती है। चलिए 10-15 किलोमीटर मैंने चला लिया, उसके बाद दोबारा रुक गया हूँ ग्लव्स पहनने के लिए। ग्लव्स मैंने जब पहने नहीं थे वहाँ से भूल गया था, बैग में ही रख के चल दिया था क्योंकि थोड़ा भीड़ भी वहाँ ज़्यादा हो गई थी और बातों में भूल गया। और ये आ गया हमारा थर्ड टोल, तो 3 टोल हम क्रॉस कर चुके हैं टोल नाका, और यहाँ पे थोड़ी भीड़ कम है। और ये आ गया थर्ड टोल नाका जो कि इस एक्सप्रेसवे का लास्ट टोल है, इसके बाद हम दूसरे रोड पर। यहाँ लिया गया है पानी के लिए ब्रेक, नींद आने लगी थी बहुत ज्यादा क्योंकि रोड बिल्कुल सीधा सीधा है, जैसे हिल स्टेशन पर होता है कर्व होते हैं तो थोड़ा एनर्जी रहती है और सुस्त नहीं होते हैं, रोड पर ना एक ध्यान रहता है, लेकिन यहाँ पर इतना सीधा है कि सुस्ती आ गई। यमुना एक्सप्रेस वे और जो लखनऊ एक्सप्रेस वे है, मतलब क्रूज लगा कर सो जाओ ऐसी चीज़ है, और हालत ख़राब हो गई थी। मैंने सोचा थोड़ा पानी वानी पीता हूँ, फेस वॉश करता हूँ जो नींद खुल जाए, और उसके बाद चलेंगे। और ये है हाईवे और इधर खड़ी अपनी वाइट टाइगर, और जहाँ रुका हूँ वहाँ का नज़ारा देखो, नीचे झोड़ है वहाँ पर भैंसें नहा रही हैं और बहुत प्यारा बहुत सुंदर लग रहा है। और पूरा ना खेत ही खेत है, मतलब खुले खेत हैं इधर भी सामने उधर भी, तो अगर हमारे पास ड्रोन होता तो बहुत अच्छे आपको ड्रोन से शॉट दिखाते, लेकिन जल्दी ही हम ड्रोन परचेस करेंगे और अब और बढ़िया वाला करेंगे, और हो सका तो 2 करेंगे, 1 एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि मैं ज़्यादातर चीज़ का एक्स्ट्रा रख लेता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ड्रोन और एक एक्शन कैमरा, ये 2 लिए। तो चलिए एक छोटा सा हिंट दे देते हैं, जहाँ मैं जा रहा हूँ ना उस जगह को प्यार की निशानी से भी जानते हैं, अब तो कमेंट्स करके बता दो कहाँ जा रहा हूँ। ये आ गया है लखनऊ एक्सप्रेसवे, अगर यहाँ से लेफ्ट देंगे तो लखनऊ एक्सप्रेसवे आ जाएंगे जहाँ से हम नेपाल गए थे, लेकिन हम लेफ्ट नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सीधा बिल्कुल नाक की सीधाई में। और हाईवे छोड़ के ना हम नीचे आ गए हैं, और देखो यहाँ लिखा हुआ है पंछी बेटा, तो पंछी बेटा कहाँ मिलता है इससे तो अंदाजा लगा ही लो यार हम कहाँ आए हैं। होटल पर आ गया हूँ, होटल मैंने लिया है रेडिसन, और मैं आपको बता दूँ मैं हूँ आगरा में जो कि प्यार की निशानी है ताजमहल, लेकिन वो आपको अगली वीडियो में देखने की मिलेगी। इस वीडियो में सिर्फ रूम पर जाएंगे, अभी रूम थोड़ा क्लीन हो रहा है, देने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, रूम पर जाएंगे और आपको मैं बताऊँगा कि मैंने बाइक में क्या मिस्टेक करी, मतलब जो वो 250 तक गई, वो 300 तक भी जा सकती थी लेकिन मेरी कुछ गलती थी जिसकी वजह से 250 गई, और एक कॉन्फिडेंस आ गया अंदर से कि मैं भी थोड़ा सा तेज चला सकता हूँ, बाकी रिस्क नहीं लेंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे। और अपनी वाइट टाइगर देखो पार्किंग किधर मिली है, वो सामने देखो पार्क है वाइट टाइगर बिल्कुल बाहर गेट के मेन गेट पर, ये पूरी लॉबी है, लॉबी पर ये हमें मिल गई है। तो जो मेरा रूम है वो 5th फ्लोर पर है, और वो रूम मतलब यहाँ का सबसे अच्छा रूम है इस होटल का, और वहाँ से जो व्यू है वो आपको चल के दिखाता हूँ, मतलब जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं वो मेरे रूम से ही दिखेगा। और रूम मेरा है 528, ये रहा 528, और लगेज बोल रहे हैं वो रूम में आ गया है, लेकिन रूम का उन्होंने कहा जाते ही व्यू देखना, और इसमें बाथटब भी है वो बाद में देखेंगे, लगेज ये रहा। और बेड जो हैं अलग अलग हैं, एक पे हमारा छोटा सा जो लगेज है वो रहेगा और एक पर हम, और दूसरा आपको नज़ारा दिखा देते हैं यहाँ से, ओए होए क्या प्यारा क्या सुंदर नज़ारा है। और सच बताऊँ तो कैमरे में नहीं दिख रहा जितना पास ताजमहल मुझे दिख रहा है ना, इतना आपको नहीं दिख रहा क्योंकि जो मेरा कैमरा है वो वाइल्ड लेंस है, ज़्यादा दूर का आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें जूम अच्छा नहीं है, लेकिन जब मैं व्लॉगिंग करता हूँ कुछ इस तरह, जब ऐसे व्लॉगिंग करता हूँ तो आपको अच्छे से दिखता है, वाइड लेंस में आपको जो मेरा पीछे का व्यू अच्छा दिख रहा होगा, फेस दिख रहा होगा और पूरा जो नज़ारा दिख रहा होगा, तो ज़्यादातर हम व्लॉगिंग करते हैं इसी तरह, इसलिए मैंने लेंस ये लगाया हुआ। और मेरे पास है 50mm का लेकिन लाना भूल गया, अगर उससे मैं दिखाता तो आपको अच्छे से नज़ारा दिख जाता कि कितना पास है, कितना अच्छे से ताजमहल दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, आप देखना बिल्कुल पास से आपको ताजमहल दिखाएंगे और घुमाएंगे यहाँ पर। और अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा, जो ये रूम है ना ये,
और इसका प्राइस और पूरा होटल और क्या क्या है इसमें वो सब दिखाएंगे। यहाँ पर पोपट शो भी होगा शाम को, इन्होंने बताया, तो वो सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। अपनी गलती बता देता हूँ बाइक पर क्या हुई है, जो वो 250 से ऊपर नहीं गई। जो मैं मोड था वो सी पर चला रहा था, ए मोड पे सबसे ज़्यादा पावर रहती है, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं रहा क्योंकि ज़्यादातर मैं सी मोड पर ही चलाता हूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा तेज़ चलाने के शौक है नहीं, तो उसको मैं सी पर ही रखता हूँ कि कोई और भी चलाए किसी को दूँ तो वो भी ज़्यादा पावर के चक्कर में ज़्यादा तेज़ चलाकर कुछ गलत ना हो जाए। और वहाँ पर भी मैंने सी मोड पर चला ली जिसकी वजह से ज़्यादा स्पीड में नहीं चला पाया, लेकिन कोई बात नहीं, बाइक अपनी है, हम भी यहीं हैं, वापसी जाएंगे तो ए मोड पे चला के फिर कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे कितनी पावर से वो चल सकती है और कितने लास्ट में ले जा सकता हूं, 250 से ऊपर भी जाएगी या नहीं। तो इंतजार कीजिए उस वीडियो का, और इसी के साथ इस वीडियो का एंड करता हूं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, कमेंट्स करना क्या अच्छा क्या बुरा लगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए यार वीडियो भी शेयर कर दिया करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, आपका कुछ जाता नहीं और हम अच्छे से मोटिवेट हो जाते हैं और वीडियो बनाने के लिए। और सच बताऊं ना, थोड़ा लगेज की प्रॉब्लम होती है व्हाइट टाइगर में, नहीं तो मैं डेली, मतलब मेरी हर वीडियो आप ट्रैवल की देखेंगे, और इसीलिए मैं आया हूं थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के लिए कि मैं किस तरह इस पर जा सकता हूं नहीं जा सकता हूं, क्योंकि यार मेरा सामान इतना हो जाता है, अभी तो मैं एक दो दिन यहां रहूंगा तो कुछ खास नहीं लाया, सिर्फ एक टी शर्ट है, बाकी सब मेरा कैमरा एसेसरीज, कैमरा चार्जर सब कुछ यही है और कुछ भी नहीं है। तो अब इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर, जब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।